नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश हलचल में हूं आपके साथ। महेजन शारदीय नवरात्रि में इन दिनों गरबा को लेकर सभी तरफ डांडिया की धूम मची हुई है। लोगों में गरबा पांडालों में माता रानी की पूजा अर्चना के साथ ही डांडिया खेली जा रही है। बता दें कि नीमच के उदय विहार में जो है अनोखे तरीके से माता रानी के दरबार में डांडिया खेली गई, जहाँ पर डांडियों की जगह हाथ में तलवार लेकर माता रानी की पांडाल में महिलाएं, जो 100 से ज्यादा महिलाएं जो गरबा का नृत्य करते हुए दिखाई दी। और बता दें कि महिलाओं का कहना कि गरबा तलवार हाथ में लेकर किसी को डराने का उद्देश्य नहीं है, बल्कि महिलाएं भी अपनी सुरक्षा कर सकती है और महिलाएं भी किसी से कम नहीं। उसको लेकर माता रानी के दरबार में जो है उदय विहार में जो गरबा हो रहा है, वहां पर आकर्षक प्रस्तुतियां देगी। चलिए देखते हैं क्या कुछ तस्वीरें। आज राजपूती थीम में यहाँ पे गरबे का आयोजन किया गया है। महिलाओं ने तलवार लेकर गरबा किया है। संदेश देना चाहे है कि हमारा उद्देश्य गरबे में तलवार घुमाना नहीं है, बल्कि ये संदेश देना है कि लड़कियाँ भी किसी से कम नहीं होती है, वो भी माता के सभी स्वरूप में होती है और जो खुद की रक्षा खुद कर सकती है। और समाज को ये संदेश देना चाहती है कि वह अपनी रक्षा खुद कर सकती है। आज के दौर में जिस तरह लड़कियों के ऊपर अत्याचार और बलात्कार हो रहा है, गलत काम हो रहे हैं, उस दुष्कर्म जैसी घटनाओं से बढ़ रही है, ऐसे ही हमारे राक्षसों का वध करने के लिए तलवार उठाई थी, उसी तरह लड़कियां भी आज के दौर में तलवार उठा सकती है।